हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं अनु कुमारी, हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट जिनका आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है इसी बार 2024 में। और ये बहुत ही खुशी की बात है और क्योंकि इन्होंने बहुत ही अप्स एंड डाउन देखे अपने लाइफ में, पर्सनल लेवल पे, एडुकेशन लेवल पे, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन्होंने कम रिसोर्सेस से अपने मैथमेटिक्स को जिंदा रखा और इसके बाद अच्छे जगह ही पहुंचे अपने उस पर्सनल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों को लेके कैसे इन्होंने इसे फाइट बैक किया और कैसे इनका हुआ सिलेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनु, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा कहाँ लग से रहा है। बोल? ये मेरा पहला इंटरव्यू था। दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? यस सर, फर्स्ट इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इंटरव्यू आपने तोड़ दिया, तो गुड। चलो ये बताओ, अपने बारे में पहले बताओ, आप कहाँ से हो, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम अनु है। मैं बिहार से हूँ, औरंगाबाद स्टेट। एंड मैंने अपनी 10th एंड 12th स्टेट बोर्ड से कंप्लीट करी है। एंड ग्रेजुएशन मैंने अपने सिटी से ही कंप्लीट किया है, फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी। एंड देन फिर आईआईटी एग्जाम का एग्जाम दी थी, तो फिर मैंने अपने एमएससी आईआईटी पटना से कंप्लीट किया है। देन फिर अभी आईआईटी गांधीनगर में गुड गुड। तो वो जो बीएससी के बाद जो आईआईटी पटना का सफर था, वो कैसा रहा था एमएससी के दौरान? सर एमएससी के दौरान हम लोग कोविड बैच था, तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में उतना प्रोडक्टिविटी पढ़ाई में हो नहीं पाते थे। जस्ट क्लास करते थे हम लोग और कैसे भी एग्जाम पास कर लेते थे। फिर हम लोग का सर, मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो हम लोगों को इतने एक दिन में क्लासेस नहीं हुआ। तो हमारे जैसे हमारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, तो मैं सोची थी कि मैं जब आईआईटी में जाऊंगी तो ऑफलाइन क्लासेस करूंगी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो भी वो नहीं एक्सपीरियंस हो पाया। फिर कॉलेज खुली थी, तो फिर ऑफलाइन क्लासेस हुआ, तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ एग्जाम देने का ऑफलाइन। तो वो बहुत अच्छा रहा, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला गुड। स्टूडेंट से, हमारे क्लासमेट से। और यहाँ पे कब आप जुड़ी? सर जून 2022 में, जून 2022 जून 20। आप रेगुलर बैच में थे? में रेगुलर बैच। यस यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर, बहुत अच्छा रहा। तो मैं खुद से ही प्रिपरेशन करती थी आईआईटी एग्जाम के लिए, तो आईआईटी एग्जाम में ऐसा होता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन बस सॉल्व करने आना चाहिए, वो होता है। और मैंने मतलब पीएचडी के लिए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व किया आप सॉल्व करके आप बस इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकते, उसके लिए बेसिक रूप सारे चाहिए, छोटे छोटे रीजन के लिए, हाउ हाउ टू थिंक। वो तो यहाँ से मुझे मतलब प्रूफ इतना, मतलब मैं इतना सोचती थी कि प्रूफ इतना इजी वे से भी हो सकता है, तो और इतना अंडरस्टैंडिंग कि मतलब याद रखा सकते जा सके बहुत लॉन्ग टर्म, तो वो मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। चलो, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा तुम अपनी जर्नी के बारे में बताओ, फिर आएंगे तुम्हारे इंटरव्यूज पे, मैथ्स को लेके तुम्हारा पैशन, क्योंकि आप जहाँ से हो बहुत ही कम लोग पीएचडी फील्ड में आते हैं, राइट? है ना, ये थोड़ा सा चाहिए लोग वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हुए तो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, राइट? आपका ये मैथ के प्रति कैसा रहा, ये बताओ। तो मेरे 11th 12th में टीचर मैथ के अच्छे थे, तो मैंने मैं सोच रही मैथ आना चाहिए, तो मैंने गई थी। तो हम क्या ऐसे मैथमेटिक्स कोई ऑनर्स पढ़ता नहीं है, जैसे आपने बताया सब एसीसी के प्रिपरेशन में लग जाते। मैं भी एसीसी का ही कर रही थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा, हम लोग 6-7 फ्रेंड थे, कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया है तो कुछ तो सीखना चाहिए मैथ में। तो फिर हमने मेरे सर थे वो 12th में ही पढ़ाते थे, तो वो बीएससी का भी पढ़ाते थे, तो
फिर हम लोग सर के पास आते थे, तो उन्होंने बस 6 मंथ हम लोगों को पढ़ाया। और फिर उन्होंने बताया था कि एक IIT जा करके एग्जाम होता है, तुम लोग थर्ड ईयर में जाओगे तो दे देना। तो मेरे को लगा था कि IIT है तो मेरे से तो नहीं होगा, बट फिर भी मैं जब यूट्यूब से देखने लगी तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व होने लगा, तो वहां से कॉन्फिडेंस आ गया था, तो फिर वहीं से गया। गुड। तो ऐसे तो घर से कभी प्रेशर नहीं बना कि आप पढ़ने में अच्छे हो, यूपीएससी की तैयारी करो, ये सारी चीजें करो, क्यों मैथ्स फील्ड में जा रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं, कोई करियर नहीं है, कुछ घर वालों ने ऐसा आपको सजेस्ट नहीं किया? नो सर, घर वाले नहीं, मतलब जो भी करो बस गवर्नमेंट जॉब लो, ऐसा है मेरे पेरेंट्स का। अच्छा करो, ये तो रहता है गवर्नमेंट जॉब लो, बट मेरे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था तो मैं बोली कि मैं यहीं पे MSc करूंगी। और रिलेटिव्स लोग बोलते थे कि BEd कर लो, तो मैं टीचर का जॉब, ये क्या कर रही हो IIT। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा आईटी जम होता क्या, राइट? जैसे उसमें जैसे आईटी हमारे यहाँ तो किसी को नहीं पता होता तो क्या क्या आपको रिजल्ट है। लगता है, जिस जगह मतलब जहां से आप हैं वहां पे इस टाइप की अवेयरनेस नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है? तो पहले तो हमारे यहाँ क्लासेस ही नहीं होती है यूनिवर्सिटी में, एक तीन भी क्लासेस नहीं होती, बस बीएससी जाके लेवल पे एग्जाम पे जाओ और बस। यस, एक दिन भी सिंगल क्लासेस भी नहीं होती। अगर मैं वो सर के पास नहीं जाती तो मेरे को भी नहीं पता होता, तो मैं भी SSC कर रही होती अभी। तो मतलब क्लासेस होने चाहिए, तो स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं कि अरे ये एग्जाम होता है तो हम लोग ये करियर चूज कर सकते हैं MSc के बाद, ये सब भी। तो ये सब पहले तो हमारे यूनिवर्सिटी में क्लासेस होनी चाहिए, तो मैं भी वहां से बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों को, ये भी कोई करियर है। बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या रीजन है, क्यों आपके यहाँ कॉलेजेस में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं होती? मतलब क्या रीजन है, प्रोफेसर नहीं है, या बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, या टीचर नहीं पढ़ाना चाहते, या दोनों का है, ना ये पढ़ाना चाहते हैं ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं? क्या रीजन आपको लगता है कि पीछे, क्या टीचर्स नहीं है, या टीचर्स हैं तो भी नहीं पढ़ाते हैं, या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्या क्या फैक्टर है? तो टीचर्स है यहाँ पे, मुझे भी उतना रीजन नहीं पता है। मतलब मैं जब से यहाँ पे हूँ मैंने अपने कजन्स को भी देखा है कि ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिया और घर पे बैठ के, तो फिर घर पे बैठ के वो SSC का प्रिपरेशन किया। तो टीचर्स तो नहीं होते हैं, मतलब अगर मैं कॉलेज भी जाती थी तो टीचर्स तो वहाँ पे नहीं रहते हैं। और कोई कोई टीचर्स बोलते हैं कि अगर पढ़ाते भी है तो बच्चे नहीं होते ये, और एग्जाम्स भी बहुत डिले हो जाते हैं। मतलब BSc की डिग्री 4 4 ईयर्स में मिलती है, ये सब अभी बहुत पीछे है। अभी भी मतलब कुछ उस टाइप का सुधार जो होना चाहिए था एजुकेशन सेक्टर में, खासकर ये अंडर यस सर, ग्रेजुएट, अभी वो तो यस हायर सर, अभी एजुकेशन का यहाँ पे कैसा नहीं। माहौल है, हायर एजुकेशन का क्या माहौल है, मतलब है भी या पूरा नील बटे सन्नाटा, कैसा माहौल है आपके यहाँ? सर मतलब मैं इंटरव्यूज देने गई तो बिहार के लोग तो मेरे को बहुत मिले थे, लेकिन वो भी DU से पढ़ रहे हैं या BSU से पढ़ रहे हैं। और मतलब बहुत लोग भी हैं जो हमारे जैसे यूनिवर्सिटी से भी है। यहाँ पे हायर एजुकेशन का तो कोई नहीं है, मतलब हमारे एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, सब IIT से ही कर लेते हैं और 12th के बाद यही ऑप्शन होता है, इंजीनियरिंग की या फिर BSc करते हैं या फिर अच्छा, MSc। आईटी जेई लोगों को पता है, बट आईटी जेई के यस बाद भी और भी करियर ऑप्शंस हैं, अच्छे सर, अच्छे करियर हाँ ऑप्शंस हैं, नहीं वो नहीं पता उनको। पता, हमारे एरिया में बहुत सारे IIT के बच्चे मतलब IIT में हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं। चलो, तुमने डाउट्स मेरा बहुत हद तक, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग भी मेरे से भी पूछते हैं कि सर ऐसा क्या फैक्टर है कि यहाँ पे यूपीएससी में तो बहुत अच्छे बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ के निकलते हैं, बट रिसर्च लाइन हाँ में, रिसर्च लाइन में बिहार के बच्चे, चाहे मेल हो या लड़कियाँ हो, बहुत कम रहते हैं। आई थिंक यू हैव गिवन द वैलिड रीजन, बहुत बट आई थिंक अब आपको देख के लोग कम, इंस्पायर होंगे, बहुत लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि हाँ। यस तो कम।
आपका ये मैथ हो गया, जी अब बताओ इंटरव्यूज में कैसा रहा, इंटरव्यूज में क्या लगा, इंटरव्यू सपोर्टिव था, कैसा रहा इंटरव्यू आईआईटी गांधीनगर का? आपने बताया पहला इंटरव्यू था आपका। इंटरव्यूज में ठीक है, तो पहला इंटरव्यूज में प्रोफेसर, पहले तो उन्होंने रैंक पूछी, इंटरव्यू का पैनल सपोर्टिव था, तो मेरे को डर लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, मतलब तो उन्होंने बेसिक से ही स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि आप प्रिपेयर करके आए हो, तो मैंने बोला क्योंकि हमारे जितने भी सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड हुए थे रिटेन के बाद, तो सब लीनियर अलजेब्रा ही दे रहे थे, बट मैं प्रिपेयर करके गई थी लीनियर अलजेब्रा, तो मैं सोचा कि अलजेब्रा एंड एनालिसिस बोल दूंगी, तो उन्होंने बोला कि बट तुमने प्रिफ्रेंस में लीनियर अलजेब्रा भी लिखा है, तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के पूछे, तो मैं बता देती हूँ, और फिर एनालिसिस का पूछा उन्होंने, तो गुड। एनालिसिस में मैं एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई थी, उन्होंने हिंट दिया था, वो क्लिक नहीं हो पाया, बट उन्होंने बोला ठीक है, क्वेश्चन गुड। अच्छे थे, प्रोफेसर थे। तो जो इंटरव्यूज के दौरान जो आपका थिंकिंग चल रहा था, जो आप जिस तरीके से सोच के आंसर दे रहे होंगे, कुछ तो नए क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़े होंगे या उस टाइप का आपने कभी किया होगा, तो उस दौरान जो इंटरव्यू का जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें यहाँ से कितना सपोर्ट मिला या कितना चेंज हुआ आपके उस थिंकिंग प्रोसेस में, कि हाँ मैथ को आप कैसे सोचना है, ये सारी चीजों में यहाँ का या हमारे साइड के पढ़ाई का क्या योगदान रहा उसमें? सर बहुत मतलब मैं जितना नोट से पढ़ के गई हूँ उससे एक भी क्वेश्चन फालतू, मतलब उससे एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैं पढ़ के गई थी, बट वो माइंड में क्लिक नहीं वहां पे कर पाया, लेकिन जितने क्वेश्चन थे नोट से एक भी वो अलग से नहीं आया, मतलब और एक्सप्लेनेशन मैं वही दी जो यहाँ से मैं समझी थी प्रूफ्स को, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा वहां पे एक्सप्लेनेशन, मतलब वो बेसिक, बहुत बेसिक पूछा था उन्होंने, मतलब जो इंसान अगर सॉल्व करता है क्वेश्चन उसके बारे में सोचता ही नहीं वहां पे, जस्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं थ्योरम, तो उन्होंने इतना बेसिक पूछा था, लेकिन मैं यहाँ से मेरा बहुत कंप्लीट था बेसिक अच्छे से, तो वहां से हो गया, बहुत अच्छे से वहां हो गया सारे। गुड, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू अनु। कैसा रहा, जैसे थैंक यू। वी शुड नॉट डिस्कस जो आप पर्सनल लाइफ में गो थ्रू गए या आपके फैमिली जो गो थ्रू गए, या वी शुड नॉट डिस्कस बिकॉज दैट्स योर पर्सनल मैटर, बट थोड़ा बताओ, यू शुड नॉट मेंशन एनीथिंग, बट थोड़ा सा वो फेज बताओ कि आदमी उस फेज में कैसे मजबूत रखे अपने आप को, है ना? क्योंकि हर किसी के इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन रहता है। चलो एजुकेशन में कुछ अपन अप्स एंड डाउन है, जैसे मैथ नहीं समझ में आता या मैथ में थोड़ा सा वीक हो, चलो टीचर हैं, दोस्त हैं, यहाँ से आप हेल्प ले लोगे, लेकिन जो पर्सनल अंदरूनी जो अप्स एंड डाउन रहता है ना, कुछ ऐसी चीजें परिवार में घट जाती हैं जो नहीं घटनी चाहिए, राइट, है ना? और आप कुछ नहीं कर पाते, आप लाचार होते हो, तो उस चीज से आप कैसे निकले और कैसे आपने हैंडल किया, अपने को भी हैंडल किया, अपने फैमिली को भी हैंडल किया, ये इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो पर्सनल लेवल पे बहुत टूट चुके होंगे, उनके यहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं, चाहे वो हेल्थ इशू हो सकता है, घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना हो सकता है, ऐसी चीजें, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं टूटे रहते हैं, लेकिन मैथ में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक हिम्मत नहीं हो पाता अंदर से कि हम आगे बढ़े, तो उसके बारे में थोड़ा सा नुआ बताइए। डिप्रेशन तो होता ही है, स्ट्रेस तो होता ही है, घर को देख के और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो, लेकिन मतलब मेरा बहुत हो गया था एक टाइम पे, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती थी, दिन दिन भर पढ़ाई नहीं कर पाती थी ओवर थिंकिंग के कारण, तो प्रॉब्लम तो ऐसे हुआ, लेकिन फिर मैं सबसे कितना ओवर थिंक करूंगी, फिर वो लाइफ पे और ड्रॉप होते जाएगा होते जाएगा, वो फिर और प्रॉब्लम होते जाएगी, तो घर पे तो मैं बहुत सोचती थी, अगर मैं घर पे होती थी तो बहुत ज्यादा सोचती थी, लेकिन मैंने फिर पेरेंट्स से बोला फिर मैं जाऊंगी घर से बाहर, थोड़ा रहने रहूंगी तो ये थोड़ा थिंकिंग कम होगा दूसरी जगह पे रहूंगी, तो फिर पेरेंट्स ने भी मान गए, तो वहां से फिर मतलब मैं 6-7 महीने के लिए बाहर वहां पे रही, और प्रिपरेशन वहां पे काफी कंसिस्टेंट रहता हुआ, तो वो हेल्पफुल रहा, और ये मैं घर पे आपको नहीं डे हो वन से पाता बोल रहा था, ये मैं आपको डे वन से बोल रहा था, ये मैं आपको डे वन से बोल रहा था कि थोड़ा सा था। निकलो, थोड़ा सा निकलो, लेकिन कुछ
फैमिली है, आप पेरेंट्स हैं आपके, आप बीच में कैसे किसी को छोड़ सकते हो, राइट? कहीं ना कहीं इमोशनल टच आ जाता है कि आप निकल गए तो फिर जो एक्स वाई जेड जो मेरे पे डिपेंड है, मतलब फाइनेंशियली नहीं डिपेंड है बट मेंटली इमोशनली मेरे पे डिपेंड है, वो फिर टूट जाएंगे। उस वजह से मुझे लगता है कि 2022 से 2023 का जो समय था थोड़ा वो आपका उस फेज में गुजरा यस सर, जो। वो मैं यस सर, 1 साल मैं जब घर में थी तो मतलब मेरा नेट जा रहे फिर क्वालिफाई होगा, बहुत वो थिंकिंग डिप्रेशन स्टेज बता रहा था इसके वजह से, तो मैं जब बाहर निकली तभी मेरा क्लियर हुआ। वहां बाहर गई तो पढ़ाई अच्छे से हो गई कंसिस्टेंट, वो जो चलो घर का स्ट्रेस रहता है वो सोचने को नहीं मिलता, और बाहर रहते हो तो पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे हम ठीक है तुम बस पढ़ाई करो, वो हाँ, अच्छा बाहर रहता है। बाहर रहने से दो तीन चेंजेस क्या आती हैं, जैसे आपने बताया घर से क्या क्या चेंजेस आता है, जैसे आप घर से अगर उस टाइप के बच्चे जो घर में है झेल रहे हैं बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है, अगर वो बाहर सोचते हैं प्लान करते हैं क्या क्या उनके बेनिफिट्स आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। सर बाहर में एक घर पे बहुत छोटे छोटे काम आ जाते हैं वो करना पड़ता है, और एक टाइम नहीं हो पाता है पढ़ने का, जैसे घर पे 12 बजे पढ़ने का मन किया कुछ काम हुआ वो चले गए, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन बाहर में आपका वो डिसिप्लिन रहता है, आप बल्कि नाइट में पढ़ रहे हो या दिन में लेकिन वो टाइम डेली होता है वही और वो कंसिस्टेंट फिक्स रहते होता है, हैं, और वो तो फिक्स्ड वो एक होता है। फायदा है। और घर हाँ वो टाइम फिक्स्ड हो जाता है और उसमें वो मन लगता है उस समय पढ़ने में, और फिर और सेकंड होता है कि फैमिली का वही घर पे बहुत सोचते रहते हैं फैमिली को देख के, और बाहर में फैमिली को देख के उतना पढ़ाई में दिमाग रहता है तो उतना सोच नहीं पाते, और घर से बात भी होती है तो पेरेंट्स बोलते हैं मैं ठीक हूँ बस आप पढ़ाई करो वो अच्छा लगता है, और डिस्ट्रैक्शन कम है मतलब मेरे लिए, तो बाहर में डिस्ट्रैक्शन कम, दिख रहा है, दिख रहा है घर आपका में मैं रिजल्ट। ज्यादा करती। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को, 2022 जैसा इन्होंने जून में यहाँ जुड़ी जैसा इन्होंने बताया, 1 साल इनका बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जैसे बताया सबका पर्सनल लाइफ बहुत आसान नहीं रहता है, इनके लाइफ में पर्सनल लाइफ बहुत ही अप्स एंड डाउन था, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन था इश्यू, बिकॉज दिस इज हर पर्सनल मैटर, वो इन्होंने मेरे से शेयर किया, बट ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने इस बार इनका JRF हुआ, जैसा इन्होंने बताया 6 महीने 7 महीने थोड़ा ये अलग होके पढ़ाई किए, कि 6 से 7 महीने में इन्होंने अपना JRF किया, गेट किया, और अभी PhD में लिया एडमिशन। इनका 2 साल का गैप है MSc के बावजूद, MSc इनका 2022 का है, राइट अन्नू? और स्टिल अभी इनका PhD में यस हुआ है सर, एडमिशन। तो आप समझो कि जो स्टूडेंट जो बोलते हैं कि मेरा गैप है 1 साल का गैप है 2 साल का गैप है, लुक एट हर, मतलब इनका यस इनका जो लॉस है वो आप समझ नहीं सकते, बहुत बड़ा लॉस है इनका, इनके लाइफ में बहुत बड़ा लॉस है, वो मैं वो नहीं बोल सकता, वो अजीब सा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला, 1 साल उसी में गया इनका। मेरे से बहुत बार थोड़ा मैं समझाता भी था, फिर ये वही गलतियां रिपीट करती थी तो डांटता भी था, लेकिन फिर मैं समझता था कि यार ये क्या जा रही है सिचुएशन से, फिर इनको मैं बार बार बोलता था कि आप थोड़ा निकलो वहां से, थोड़ा सा निकलो वहां से, लेकिन वैसा होता है, आप कैसे किसी को छोड़ सकते हो। और फाइनली फैमिली ने इनको बोला कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, उस टाइप से इन्होंने फिर 5 से 6 महीने में देखे इनका हुआ। कभी कभी लाइफ में टफ कॉल्स लेना पड़ता है, कभी कभी आपको लेना पड़ेगा फॉर योर फैमिली फॉर योर सेल्फ, बहुत तरीके का, कभी कभी सेल्फिश भी बनना पड़ता है फॉर योर फैमिली ऑल्सो। और देखिए इनका ये होने से ये हुआ, तो जो स्टूडेंट्स उस सिचुएशंस में हैं जो पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत ही दुविधापूर्ण में है, बहुत कुछ चल रहा आउट ऑफ कंट्रोल है, कभी कभी आपको अपने विवेक से अपने धैर्य से कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे अपने पढ़ाई के लिए, जो आपको पता है कि मुझे मैं अगर 4 से 5 महीना समय दूँ सही दिशा में तो शायद मेरा बहुत अच्छा हो सकता है, तो उनको लेना चाहिए, उनके फैमिली के लिए भी वो अच्छा होता है और उनके लिए तो खैर है ही, उसका जीता जागता उदाहरण ये अनुजी है हमारे पास, राइट अनु? ये JRF वगैरह अनु आने से आप सुन पा रही हैं अनु, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, हाँ, आवाज आ रही यस है, अभी आवाज आ, अभी क्लियर आ रही है आवाज। हाँ, अनु
तो आपका जीआरएफ में क्या रैंक है, गेट में क्या जी रैंक है, ये थोड़ा बताइए हमें। तो मेरी जीआरएफ में रैंक 133 है एंड गेट में 170 सब देखिए कंसिस्टेंट है हर जगह इनका रहा। अच्छा, तो बस तो जो स्टूडेंट्स अनु उस फेज में है या उस फेज से निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में आपकी तरह, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर। वही मतलब कभी कभी आपने जो बोला सेल्फिश होना पड़ता है खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी, और वही कंसिस्टेंसी और रहनी चाहिए पढ़ाई में, और मैथ के लिए जो कर सकते हैं जो सही वे है आपको, अगर पीएचडी करनी है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए भी, कैसे प्रूव करें मतलब एक एग्जाम से नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पीएचडी करना है कि रैंक बहुत टॉप वो रहनी चाहिए, वो भी एक फैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रूफ ये सब पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज में सिर्फ प्रूफ ही पूछते हैं, क्वेश्चन तो पूछते हैं वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जो स्टूडेंट्स आगे मैथ्स को लेकर आगे करियर बनाना चाहते हैं, एकदम फ्रेश हैं, जो अभी एमएससी कर रहे हैं या एमएससी से निकलेंगे पास आउट होके, और या बीएससी में होंगे, वो भी आगे जाके पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स को आगे करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मतलब मैं तो यही बोलूँगी पॉइंट इज है ए रिसर्च करने में तो पीएचडी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो वो और आईआईटी में बहुत अच्छे रिसर्च होते हैं तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी पढ़ाई के साथ साथ, आपको बहुत अच्छे जगह से रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा, तो अगर जो पीएचडी में इंटरेस्टेड है तो ये बेस्ट ऑप्शन है करियर के लिए। गुड, बहुत मैं खुश हूँ। फैमिली का क्या रिएक्शन है आपके रिजल्ट्स से? फैमिली तो खुश है, मतलब आप यही कितने फैमिली खुश हो? अभी थोड़ा बहुत दूर है आप कितने खुश हो? तो मैं तो खुश हूँ, मैं दिख रहा है। बहुत खुश हूँ, मतलब गुड गुड गुड। नहीं, आपका फैमिली का था ना कि पहले नहीं जाने देंगे बाहर, बेटी है अकेला, अब शायद वो शायद अब थोड़ा सा हट जाएगा ये सिलेक्शन को देख के, और होप सो वो आगे आपको और सपोर्ट करें, और हम लोग हैं ये, और आगे साथ मिलता जाएगा, बस आगे बढ़िया लोग। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बहुत यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जगह गए हैं, आप भी अच्छे जगह जा रहे हो, और अच्छा जगह आप जा सकते हो, लेकिन आप जिस सिचुएशन से आके, जिस सिचुएशन से गुजर के, जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है बिहार के एक ऐसे जगह से जहाँ आपने बताया बीएससी में कोई क्लास नहीं होता था, वहां से निकल के जाम निकालना अपने मेहनत के बदौलत से, फिर आईआईटी पटना से एमएससी करना, फिर उसके बाद आप यहाँ आए, जुड़े, फिर कुछ ऐसे घटनाएं होगी आपके लाइफ में, फैमिली के बीच में, वो 1 साल आपका गया, फिर उसके बाद बाउंस बैक करना अपने लाइफ में और फिर क्वालिफाई करना, इट्स इसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत करेज चाहिए। अब आपने प्रूफ किया है, अगर डेडिकेशन हो, मेहनत हो, तो वो हो सकता है, वो अचीव हम लोग कर सकते हैं, वो आप इसका जीता जाता उदाहरण। ऐसे ही आगे बढ़िए, राइट, और बढ़ते रहिए, जो भी चीज़ होगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप वो आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गिविंग योर टाइम अन्नू, कुछ बोलना है लास्ट में? थैंक यू सो मच सर, आपको इतना अच्छा मैथमेटिक्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब मैं मैथ के यहाँ से बहुत खुश हूँ, मतलब कैसे सोचते हैं कैसे प्रूव करते हैं, मतलब मुझे मुझे कभी ऐसा लगता है अगर मैं पीएचडी में चली भी जाती तो वो शायद ऐसे नहीं सोच पाती जो मैं अभी क्वेश्चन को या थ्योरम्स को सोच पाती हूँ, वो सोचने मेरे मेरे को मैथमेटिक्स सॉल्व करने का एक नया वे मिला है, चलो, बहुत थैंक कुछ यू थैंक सीखने को मिला है मुझसे। यू थैंक यू सो मच। बस आगे बढ़िए, और हम लोग हैं आपके साथ, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई भी ज़रूरत हो आप मेल कर सकते हैं noblefrom05@gmail.com पे, ठीक है? मिलते हैं, टेक केयर अन्नू, बाय बाय।